हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं या फिर चैनल बना चुके हैं यूट्यूब पे, तो चैनल बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चैनल का कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैनल का सही कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपका चैनल 100% है कि ग्रो करेगा, आपके चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे, आपके वीडियो पर व्यूज आएगा। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ये गलतियाँ किए हैं के भाई चैनल तो अपना बना लिए हैं बट चैनल का सही कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किए हैं। क्योंकि मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे न्यू यूट्यूबर हैं जो मुझे मैसेज किए हैं कि भाई हम अपना चैनल बना लिए हैं, अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं बट हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, हमारा चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उनका चैनल चेक किया तो उनका चैनल का कैटेगरी कुछ और निकला था। उनका चैनल था फैक्ट का बट उनका कैटेगरी कुछ और ही चैनल का था, ठीक है। तो अगर आप अपना चैनल बना चुके हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल का कैटेगरी पता कर लें, तभी आप अपना चैनल बनाएं, उसके बाद आपका चैनल 100% है कि ग्रो करेगा। तो अपने चैनल का सही कैटेगरी कैसे पता करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है आपके लिए, एक यूट्यूबर के लिए। क्योंकि अगर आप सही कैटेगरी अपने चैनल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका चैनल ऑटोमेटिक आपका ग्रो करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने चैनल के लिए सही कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे दबाकर ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो आप अपने मोबाइल में क्रोम ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करें सोशल, ठीक है, सोशल ब्लड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसका फर्स्ट वेबसाइट जो है वो ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आप इस तरह से जूम करें इसको, ठीक है। जूम करने के बाद इंटर योर यूज़र नेम आएगा। तो जैसे कि आपको ब्लॉग का चैनल बना रहे हैं, ब्लॉग का कैटेगरी आपको पता करना है, तो जैसे कि पहले से जिनका चैनल बना हुआ है ब्लॉग का वो यहाँ पर सर्च करें। जैसे कि सौरभ जोशी का, मैं यहाँ पर सौरभ जोशी का मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। सौरभ जोशी का जो यहाँ पे चैनल है बहुत सारा बना हुआ है, तो यहाँ पे जो इनका मेन चैनल है वो ये है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है इनका चैनल का कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग का जो यहाँ पे कैटेगरी है वो सेलेक्ट किए हुए हैं, पर्सनल ब्लॉग का। तो ये ब्लॉग का चैनल का कैटेगरी है, पर्सनल ब्लॉग। अब जैसे कि फैक्ट्स का चैनल का आप कैटेगरी पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बंदे का है मस्त फैक्ट चैनल, तो उनका चैनल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मस्त चैनल फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट का जो चैनल है इसका कैटेगरी होता है टेक्निकल साइंस का, ठीक है, फैक्ट का चैनल का। अब जैसे कि आप टैग का वीडियो बना रहे हैं तो टैग का कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे मैंने मनोज देव का पहले सर्च किया था, तो मनोज देव का मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मनोज देव जो अपने चैनल का कैटेगरी रखे हुए हैं वो यहाँ पे है टेक्निकल साइंस का। तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आप अपना चैनल का सही कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप कितने भी पुराने यूट्यूबर का अगर चैनल का यहाँ पर यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे या सर्च करेंगे तो यहाँ पे उनका चैनल का कैटेगरी सारा कुछ पता चल जाएगा, कितना अर्निंग वगैरह हुआ है वो सारा कुछ यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें।